Hello friends, today we will be doing the canon for arrays. Till now we have completed canon of characteristics and canon for succession of characteristics. I hope you all are familiar with the term array, and if not, then I'll provide you the link on I button. You can learn from there. तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं. कैनन फॉर एरेज में सबसे पहला कैनन जो आता है, इट इज़ कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस. सो एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें और कुछ ऐड ना किया जा सके, जो चीज़ ऑलरेडी फिल्ड है उसे एग्जॉस्ट कहते हैं ना. तो कैनन फॉर एरे भी यही कहता है कि एक ऐसा एरे जिसमें जितने भी एलिजिबल मेम्बर हैं सबको इंक्लूड किया जाए, किसी को ना छोड़ा जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई कहता है आप एरे प्रिपेयर कीजिए स्टेट्स ऑफ इंडिया का, तो कितने एलिजिबल मेंबर हैं? 28 स्टेट्स हैं ना भाई इंडिया में, तो आप कहेंगे 28 एलिजिबल मेंबर हैं. तो सारे के सारे स्टेट्स के नाम आप एरे में शामिल करेंगे, किसी भी एक नाम को आपने लीव नहीं करना, बिकॉज ऑल आर एलिजिबल मेंबर. इफ़ आई से दिल्ली एलिजिबल मेंबर है स्टेट्स ऑफ इंडिया में? नहीं, क्योंकि दिल्ली तो स्टेट नहीं है. तो जितने भी एलिजिबल मेंबर हैं आपने उन सभी को एरे में ऐड करना है, ये बात ध्यान रखनी है. साथ ही साथ जितनी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे आपका क्लासिफिकेशन उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, अच्छा होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट कैनन आता है कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस. तो कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ केवल एक ही ग्रुप को बिलोंग करनी चाहिए. तो यहाँ भी कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस यही सेम कहता है कि कोई एक एंटिटी है तो वो एक एरे में ही इंक्लूड होनी चाहिए, अलग अलग एरे में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं काऊ. किसी ने कहा काऊ इज अ पेट एनिमल, किसी ने कहा काऊ इज अ मैमल. तो या तो आप उसे पेट एनिमल की कैटेगरी में डालिए या फिर आप उसे मैमल की कैटेगरी में डालिए. आप दोनों कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने दोनों ही कैटेगरी में उसे डाल दिया तो ये तो डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, एक ही चीज़ अलग अलग जगह काउंट हो रही है, तो इससे क्रॉस क्लासिफिकेशन हो सकता है. इसलिए कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस सेज दैट वन एंटिटी शुड बिलोंग टू ओनली वन एंड ओनली वन एरे, एक एंटिटी एक एरे में. नेक्स्ट एरे है कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस. मींस इसमें क्या है, सीक्वेंस जो आप प्रिपेयर करते हो, अरेंजमेंट जो आप करते हो एंटिटीज की, वो हेल्पफुल ऑर्डर में होना चाहिए. हेल्पफुल किसके लिए? यूजर के लिए. मान लीजिए किसी भी यूजर को कोई एरे चाहिए हिस्टोरिकल मैनर में, तो इवेंट्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए, है ना. किसी को एरे चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप एरे अल्फाबेटिकली प्रिपेयर करिए. तो कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस कहता है कि जब भी आप कोई एरे प्रिपेयर करते हो तो वो लॉजिकल होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द यूजर. प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल मतलब उस चीज़ को देखकर कोई प्रेडिक्ट कर पाए कि नेक्स्ट चीज़ क्या होगी. नेक्स्ट हेल्पफुल ऑर्डर होना चाहिए. हेल्पफुल किसके लिए? अगेन इट शुड बी हेल्पफुल फॉर द यूजर. तो आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो अपने एरे को, बट इट शुड बी लॉजिकल, प्रेडिक्टेबल एंड हेल्पफुल. द लास्ट कैनन इन दिस सीरीज इज कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस. तो कंसिस्टेंट सीक्वेंस का मतलब, अगर एक एंटिटी है आपने उसे एक उसमें डाल दिया, एक एरे में ऐड कर दिया, तो वो हर एंटिटी हर बार जितने भी एरे प्रिपेयर होंगे उसी एरे के अंदर आनी चाहिए, अलग अलग एरे के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था काउ. काउ को या तो आप पेट एनिमल में डालो या फिर मैमल में डालो. आपने एक बार पेट एनिमल में डाल दिया ना, तो अब जितनी बार भी एरे प्रिपेयर होंगे तो वो काउ सिर्फ पेट एनिमल की कैटेगरी में आनी चाहिए, मैमल की कैटेगरी में नहीं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. If you still have any doubt, then you can please आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. We will try to